हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से कितना कम है, 4 कम है। ठीक, यदि न्यूमरेटर को 2 कम कर दिया जाए, 2 डिक्रीज कर दिया जाए, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 और डिनोमिनेटर है उसमें 1 इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज्ड बाय 1, तो जो नया फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा होता है, 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने मान लिया न्यूमरेटर क्या है, n। लेट द न्यूमरेटर बी n और हमने डिनोमिनेटर को मान लिया, इसको मान लिया हमने d। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन कहती है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में कहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो कहा है जो न्यूमरेटर है इट इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी कि जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से कितना कम है, 4 कम है। तो डिनोमिनेटर में से अगर हमने 4 लेस कर दिया तो न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन तो ये है, आप d को इस तरफ कर लीजिए तो n ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का, d इज इक्वल टू यहाँ आया -4, तो ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है वो देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या कहा कि जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 कम कर लिए और डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दिया, तो नया फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से बना कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जबकि सेकेंड कंडीशन की बात है, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन में यह है कि जो फ्रैक्शन है, पहले तो हमने फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि न्यूमरेटर में से कितना 2 कम कर लिया जाए, तो n में से यानी न्यूमरेटर में से 2 लेस कर लिया और डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है इंक्रीज कर दिया 1, तो +1। तब जो फ्रैक्शन आता है इससे उसमें ये कहा कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 टाइम्स है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है मतलब इन दोनों के बीच का रेशो क्या आएगा, 1:8 आएगा, न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर 8 टाइम्स है। तो अगर न्यूमरेटर 1 होगा तो डिनोमिनेटर अपने आप ही रेशियो में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन से देखें कि ये जो फ्रैक्शन है वो उसमें हो जाता है, न्यूमरेटर यदि 1 होता है तो डिनोमिनेटर उससे 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये होगा 8, अगर ये 1 है तो ये 8। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:8 ही आएगा। तो अब इसका यूज़ करके हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट तो हमने पहले ही बना ली थी। अब देखें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये पूरा 8 इधर आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इस तरफ चला जाएगा, तो 8 इधर आएगा तो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस n माइनस 2 इज इक्वल टू, और जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 1। ठीक है, अंदर और मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू n, 8n माइनस 8 2 16 बराबर 1 इंटू d, 1d प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, अब n और d वालों को एक तरफ और बाकी एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा 8n, ये d वाला इधर आएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 1d इज इक्वल टू यहाँ है 1 और ये इधर गया, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का 16। तो फाइनली ये आया 8n माइनस डी इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। ठीक है,
तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन थे दो वेरिएबल में एन और डी में, इन्हें सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। चलिए तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी n माइनस डी इज इक्वल टू माइनस फोर, और दूसरी जो इक्वेशन है 8n माइनस डी इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करें तो एलिमिनेशन से, तो हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो एन एन वाले टर्म या डी डी वाले, यानी जो वेरिएबल्स हैं वो वाले टर्म एक समान करने होते हैं। तो यहाँ डी और डी एक वेरिएबल तो पहले से ही एक समान है, यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, होना क्या चाहिए एक माइनस और एक प्लस, ताकि ये यहाँ से रिमूव हो सके, एलिमिनेट हो सके। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इन दोनों इक्वेशन को, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे का साइन है वो सब बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो वन, प्लस माइनस माइनस, एट माइनस वन इज सेवन एन, वो भी माइनस का, क्योंकि एट ग्रेटर है इसके पास माइनस साइन। फिर यहाँ से इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 17 और 4 21, वो भी माइनस का। जब आप इसको नीचे करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 से 7 3 जा 21। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आई वो है 3, ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू है। अब डिनोमिनेटर की निकालें तो इस n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में है तो फर्स्ट में या सेकेंड में रख दीजिए, तो d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये वैल्यू फर्स्ट में हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है n माइनस डी इज इक्व टू माइनस फोर, तो n की जगह लिखा 3 माइनस डी, डी की जगह लिखा, डी की हमें वैल्यू पता करनी, इज इक्वल टू, और ये माइनस का 4। ठीक है, इस 3 को आप उधर ले जाइए तो ये प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का d इज इक्व टू माइनस का 4, और ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की जो वैल्यू आई वो आई है 7। तो अब डिनोमिनेटर भी पता चल गया, न्यूमरेटर भी पता चल गया, तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना आया हमारा, ये आया 3 और अपॉन, और डिनोमिनेटर इज 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 3/7। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।